हेलो गाइस, आज हम लोग वेल बैटल करने जा रहे हैं मॉडर्न हाउस का, और हम लोग देखेंगे कि किसका घर नूब जैसा, प्रो जैसा या हैकर जैसा होता है। और ये बिल्ड बैटल हम किसके साथ कर रहे हैं, ये देखो, ये मेरी बहना के साथ कर रहे हैं हम लोग। और दी, क्या तुम रेडी हो इस बिल्ड बैटल में पार्ट लेने के लिए? यस आई एम रेडी। और तुमको क्या लगता है तुम आज कौन सी कैटेगरी में जाओगी? हैकर एकदम। मैं इतना मस्त घर बनाने वाली हूँ ना कि तुम देख के चौंक जाओगे कि क्या घर बनाया है आज तो मॉडर्न हाउस। अच्छा, हैकर छोड़ो, तुम प्रो में भी आ गए ना, तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए देखने के लिए। मुझे हल्के में मत लाइए, हल्के में नहीं, मैं बिल्कुल हल्के में नहीं। अच्छा ठीक है, ओके लेट्स सी। फिर तो हम लोग के पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। मैं अपना घर बना रहा हूँ, दीदी अपना घर बनाएगी, और मैं अपने साइड का तुम्हें घर दिखाऊंगा बहुत ही डिटेल में। अगर तुम्हें दीदी के साइड का देखना है तो तुम लोग उसके चैनल पे देख सकते हो, शेड प्लेस पे। और अभी दी, फटाफट से तुम हारने के लिए रेडी हो जाओ और हम लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलो 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 चलो। तो गाइस, क्या तुम लोग रेडी हो? हम अपने दीदी को एक सेकंड में हरा देंगे, ऐसा आलीशान घर बनाएंगे ना, एकदम हैकर लेवल वाला, वो ना देखती रह जाएगी। चलो भाई शुरू करते हैं। अपने घर में स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, और थोड़ा क्या है, हम लोग ग्रीनरी की तरफ रहते हैं, अपना नाम भी मोर है, अपन पक्षी है, हम लोग ग्रीनरी में ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए हम लोग के घर में थोड़ा प्लांट्स प्लांट्स टाइप का लगाने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। तो अभी तो सामान के नाम पे हम लोगों ने इतने से सामान ले लिए हैं, क्वार्ट्ज ब्लॉक ले लिया है, स्मूथ वाला प्लैंक, लीव्स, ग्लास, स्टेयर्स और ग्लास पेन ले लिया है, लेकिन और भी बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हम लेते जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले तोड़ेंगे, और ये वैसे भी काफी चौड़ा है, तो अगर जगह कम पड़ेगा तो हम इसे और फैला लेंगे। अभी हम यहाँ पे खड्डा करके इसके अंदर प्लैंक्स डालेंगे, और आगे में हम 5 ब्लॉक्स और, यानी कि टोटल 6 ब्लॉक तक हम यहाँ पे रैंप वॉक करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और अब यहाँ पर हम अपना मून वॉक दिखाएंगे। चलो चलो, आगे का काम करना है हमें। हम क्वार्ट्ज का स्लैब लेंगे, और जैसे रावण के 10 सिर थे ना, वैसे हम लोग यहाँ पर 12 स्लैब लगा देंगे एक साइड में। यस बॉयज। और अब उसके पीछे भी हम यहाँ स्लैब लगाते जाएंगे। पता नहीं हवा में क्यों लग रहा है, मतलब ये लॉजिक देखो तुम लोग, घास के ऊपर भी स्लैब लग जाता है। ओके, तो हम लोगों ने 3 यहाँ पे स्लैब और लगा दिए हैं, तो अभी हम यहाँ पे 6 स्लैब ऐसे करके बढ़ा देंगे, यानी ऑलमोस्ट ये सर्कल घूमने वाला है। और इस रैंप वॉक के आजू बाजू में भी हमें यहाँ पर ऐसे स्लैब लगा देना। और अब वहाँ पे स्लैब ज्यादा हो गया तो इसे हम यहाँ पर बराबर कर देंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पर, ये पानी डालने का एरिया बना है हमारा पहला स्विमिंग पूल। तो वापस अपने रैंप वॉक की तरफ जाएंगे, और उधर हमें क्वार्ट्ज के ब्लॉक लगाने हैं। आई गेस 9 ब्लॉक्स लगाने हैं। यस 9। ये तुम लोग देख सकते हो, ये ऐसा हुआ है, और यहाँ पर आएगी पानी की कुंजी, और इसको यहाँ पर बढ़ाकर हम कर देंगे तेरी रोटी ते बिंडी। ओके, इसे हम इसके लेवल पे ले आए और इसे बंद कर देते हैं, और अपना ये ऐसा लगने लग गया है, क्या बात है। हालांकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक कदम और चौड़ा कर देते हैं। आहा, अब अच्छा लग रहा है। अब हम लोग छुटका वाला क्वार्ट्ज का ब्लॉक लेंगे, यानी कि स्लैब लेंगे, और यहाँ पर 9 लगा देंगे इस तरीके से। यस, और अब ऐसा करने के बाद बचे हुए में हम बड़का वाले को लगाएंगे, और वो भी 7 पीसेस, 7। यस, एक गैप वहाँ पे बीच में रह जाएगा। अब हम लोग रिवाइन मोड में आएंगे, थोड़ा पीछे जाकर यहाँ पर हम 3 ब्लॉक और लगाएंगे, और यहाँ पर एक गैप बन गया है, तो इसे भी हमें लंबा लगा देना है आगे। अब यहाँ पे कनेक्टिंग द डॉट्स कर देंगे हम। अब इसके बाद में इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये सब लेवल में आ चुका है। अब हम इधर अपने रैंप वॉक के पास आ जाएंगे, और यहाँ पर हम आगे जाएंगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर हमें ओक का स्टेयर्स लगाना है 2, क्योंकि ये अपना एंट्रेंस एरिया बनने वाला है। और अभी जो खाली स्थान भर गया है वहां पर हम लोग ओक का प्लैंक्स भरेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से अंडरग्राउंड में। और अपना घर फिर से ऐसा लग रहा है, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आता रहे, आखिर ये अपना घर है, अपना तो अपना होता है, बाकी सब सपना होता है। मेरा स्क्रू आसरा ढीला हो गया है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी बहन को हराने वाला हूँ। अब हमें यहाँ पर भी ब्लॉक्स लगाने हैं, लेकिन ओहो बारिश होने लग गया है, और तुम लोग जानते हो बारिश के टाइम पे मोर क्या करता है, नाचो। चलो अभी यहाँ पे प्लैंक्स हम भर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब हम लोग अपने घर के इस साइड में आ जाएंगे, और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स के अंदर में यहाँ खोड़ा कर देंगे इस तरीके से, और अंदर में भी इसको खींचते चले जाएंगे।
और इन सब घटिया चीजों को फोड़ देना है। और यहाँ पर हम चार ब्लॉक्स ऐसे लगा देंगे, दो वहां का गैप छोड़ देंगे। और अब यहीं पे इसके सट्टा के हम तीन ब्लॉक्स और लगा देंगे। और अब यहाँ पर हो गया है गैप, तो उस गैप को हम कैसे छोड़ देंगे? और यहाँ पर हम लगा देंगे दो टू स्टेयर्स। और अब वापस से गैप को भरना है हमें। अब ये इस तरीके से लग रहा है। इतने बारिश में हम लोग लगे पड़े हैं, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते तुम लोग। साला नौटंकी, सब्सक्राइब करो तुम लोग और लाइक भी दबाओ, फ्री है। अब क्या है कि मुझे लगता है हमारे घर को थोड़ी डायरिया की जरूरत है, तो मैं डायरॉइड निकालेगा। जोक मारने के लिए कुछ भी बोलता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे हमें डायराइड लगाना है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके खड्डे करके पहले हम प्लैंक लगा देंगे, और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, यहाँ पर एक और प्लैंक हम लगा देंगे आगे में, और यहाँ पर हम लगा देंगे स्लैब। और ये स्ट्रक्चर का ऐसा लुक है। और अभी हम लोग इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। अब हमें क्या है, इसी लाइन पे यहाँ डायरिया और लगाना है, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और अब यहाँ पे हम पूरे में डायरिया भर देंगे। और अब हमें पूरे डायरिया को फैला देना है, यहाँ पर तोड़ा तोड़ी करके हम पूरे के अंदर डायरिया भरने वाले हैं। और अब यहाँ पर हम वुड्स लगा देंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे। आहा। और दीदी क्या प्रोग्रेस है तुम्हारे घर का? मेरा घर ऑलमोस्ट रेडी है, तुम्हारा क्या हाल है ये बताओ? मेरे को पता है तुम तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया होगा बिल्कुल भी। अच्छा, मेरा आधा घर बन चुका है ऑलरेडी। तुम आई एम श्योर कि आज तो तुम शॉक हो ही जाओगे और मुझे ना हैकर बोलने वाले पक्का। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, इट्स कॉन्फिडेंस। और आई एम श्योर कि तुम हारने वाले हो। देखते हैं वक्त बताएगा। ठीक है, देख लेंगे। गाइस लगता है दीदी तो बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाना होगा। अब हमें घर की टांगे बनानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इन दोनों को हम फेविकोल के जोड़ की तरह जोड़ देंगे। अब इतनी देर से जो स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक नल्ला बैठा था, अब उसका काम आएगा। अब यहाँ पर हम इसे 5 उठा देंगे, और इसी के लेवल में उधर उठाने के लिए हम इधर 4 लगाएंगे। तो ये देखो लेवल में आ गया है ये दोनों। अब फिर से फेविकोल का जोड़ लगा के हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब हमें क्या चीजों को लेवल में लानी है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3 और इसे इसके लेवल पे ले आएंगे। जैसा ये बन रहा है ना, हमको नहीं लगता हमारी बहन हमसे कम्पीट कर पाएगी। तुमको क्या लगता है? तुम लोग एक लाइक कर हमको यह बात बता सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। अब क्या है, रील्स बनाने के लिए हमें एक स्टेज वा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या है क्वार्ट्ज का पिलर लेंगे, और इस वाले पोर्शन के हम यहाँ पीछे जाएंगे और यहाँ पर हम पिलर लगाएंगे। अब क्या है, इसमें स्ट्रिप्स है इस तरीके से, लेकिन हमें वो हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के उसके सहारे हम लगाएंगे, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ये। लेकिन अभी हम इस वर्टिकल वाले को उठाएंगे, इसका यूज लेंगे जैसे गर्लफ्रेंड्स लेती है, और इसे यहाँ पर खिसका देंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रेडी हो जाएगा। और ये देखो रील्स बनाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी है। अब हमें इस पोर्शन में यहाँ कारनामा करना है, और यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने स्टेयर्स लगाया है इस रो पे, वहां पर हम क्वार्ट्ज का स्टेयर लगा देंगे, यानी 1 2 3 पे थर्ड वाले पे यहाँ पर क्वार्ट्ज का ब्लॉक लगा देंगे, नॉट स्टेयर। और इस लास्ट वाले को एक कदम बढ़ा के इसे यहाँ एक्सटेंड कर देंगे, तो ये देखो ये 8 जैसा बन जाएगा, जिसमें ये नीचे वाले का पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अब हमें दया की तरह मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक एंट्रेंस भी तो बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पिलर लगाकर इसे ऐसे उठा देंगे 3-3 ब्लॉक और इसे जोड़ देंगे, और यहाँ पर हमारा गेट बनेगा। लेकिन हमारा घर कुछ ज्यादा ही सफेद हो गया है, लोग कुछ उल्टा सीधा बोले, इसके पहले हम ब्लैक ग्लास पेंट निकालेंगे और हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट वाले पे यहाँ हमें पिलर लगाना था, लेकिन ये कौन आ गया है हमारे घर के निर्माण के बीच में? अरे हमसे बिना पूछे हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए हो तुम, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है ये। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। इतना इग्नोर तो किसी ने नहीं मारा होगा मुझे। ओह माय गॉड, कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है। इतने बड़े बंगलों का मालिक बनने वाला हूँ मैं। रेस्पेक्ट। चल 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 चल। हालांकि मेरे नए घर का ये पहला गेस्ट है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और तुम अपने साथ प्यारे प्यारे पेट्स भी लेकर आए हो। तुम दोनों के कलर का ये घर बन रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो ये ब्राउन वाले का कलर यहाँ, और ये व्हाइट वाले का कलर ऐसे, और इसने तो मेरा स्किन कलर ले रखा है। तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही मेरे घर से मैचिंग मैचिंग हो गए हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा
अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो। इतने बदतमीज लोगों पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना घर कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर अपना ग्लास पेन पूरा कंटिन्यूसली भर देते हैं। और ये देखो, ये वाला पोर्शन हमारे घर का एंट्रेंस कह लो या फिर बैक डोर कह लो, और यहाँ पर हम लगाएंगे गेट। ओके, अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिया, तो ये एक्सटेंड हो गया है। अब हम इसे लेवल में लाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 लगाएंगे, तो ये स्किल लेवल में आ गया है। और अभी इसे हम जोड़ देंगे इस तरीके से। और अब क्या, बीच में वहां पे पैटर्न बना हुआ था, तो यहाँ पर भी हम 3 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न बन गया है। देखो, और ये देखो यहाँ पे टिप्पी टिप्पी टॉप टॉप खेलने लग गया है ये। और इस वाले एरिया पे हम यहाँ पर वॉल बना देंगे, लेकिन ये बंदर कहीं का हमें वॉल बनाने में बहुत दिक्कत दे रहा है। देखो, तुम हमारे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो तुमको अभी के अभी हम बाघा जैसा बना देंगे। वो तो जैसे जिसकी सोच। ठीक है, अब हम लोग ये जो पिलर बनाए हैं इसको यहाँ पे 4 ब्लॉक्स और ऊपर उठा देंगे इस तरीके से। अब इस वाले पिलर को भी हम यहाँ पर उठा देंगे, और यहाँ पर भी उठा देंगे, तो हट जाए से। यस, अब यहाँ पर जो ये वाला लाइन है ना, इसके ऊपर में यहाँ पर हम 3 का क्वार्ट्स लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर पीछे आकर भी हम इसे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे पूरा। हमें सबको लेवल में लाना है यार, और इसे भी यहाँ पर हम एक्सटेंड कर देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब वो जो नीचे में लाइन खींचा हुआ है, तो उसके ऊपर में हमें यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। इट्स लुकिंग नाइस। अब ये वाला जो हम लोगों ने एक्सटेंड किया था, इसे और हमें वहां तक एक्सटेंड करना है। अब हर जगह हमें जॉइंट सेक्रेटरी बनानी है, मतलब सबको जोड़ना है, फेविकॉल का जोड़। यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। आहा हा, क्या बात है, क्या बात है, चिकना 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 चिकना। अब ये जो पूरा एरिया बच गया है, इसकी हमें फ्लोरिंग करनी है, तो हम यहाँ पर पूरा पोड़क पोड़क करके फ्लोरिंग कर देंगे, और यहाँ पर हम 2 प्लैंक लगा देंगे। आहा हा, प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है यार अपना। अब फिर से हम यहाँ पे ग्लास लगा देंगे कुछ इस तरीके से। आहा हा, यस बॉयज, और इसे पर हम प्लैंक लगा देंगे। अब अपना घर कुछ इस तरीके से बन गया है। और अब हम वो चीज बनाएंगे जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, पर एक ही जगह रहती है। क्या तुम लोग बता सकते हो क्या चीज है? जल्दी से आंसर नीचे कमेंट करें। क्या दे दिया था आप लोगों ने आंसर? वो है सीढ़ियां। Yes, क्योंकि सीढ़ी ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन एक ही जगह पर रहती है। बात तो सही है। तो अभी हमें सीढ़ी बनानी है। अब हम लोग यहाँ पर एक इसे तोड़ देंगे, और यहाँ पर हम स्टेयर्स बनाएंगे, तो नीचे से ऐसे करके लगाएंगे। तो ये देखो, हमें घुमा घुमा कर लगाना है, ताकि अच्छा सा पैटर्न बन जाए और हमारी सीढ़ियां रेडी हो जाए। अब ये वाले पोर्शन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कोई खड़े होकर गिर ना जाए, उसका सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर ग्लास पेन लगा देंगे। और अगर किसी को फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगानी है, तो यहाँ पर भी हम डोर लगा देंगे, इधर और इधर। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी डोर हो गए, नीचे भी डोर हो गए। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे रूम बनेगा यार। ओके, और यहाँ पर हम एक लंबी लाइन खींच देंगे ऐसे करके, और यहाँ ऊपर में इधर में हम इसे यहाँ पर लाइन खींचेंगे उसी के ऊपर, उस लाइन के ऊपर, और यहाँ पर एक पैटर्न बना देंगे, तो ये बड़ा और छोटा वाला पेट जैसा बन जाएगा, और अपना घर कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। और यहाँ पर भी हम ग्लास पेन लगा देंगे, क्योंकि ये भी छत टाइप का एरिया बन गया है। अभी अंदर में भी थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं, तो यहाँ पर हम 2 ग्लास पेन लगाएंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक, और इसे ऊपर तक खींच देंगे, और सेम चीज उसके पीछे भी करेंगे, और इसे हम पूरा कवर कर देंगे ग्लास से। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये बड़ा वाला एरिया में क्या था, तो मैं याद दिला देता हूँ, यहाँ पे पूल बनेगा, लेकिन उसके पहले हम पीछे का घर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और इसे यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, जो वहां पे लेवल है ना, उसके वहां तक ले जाएंगे हम। Yes, तो अपना घर इस टाइप का बन गया है अभी तक तो। और अभी पूरी जमीन को कवर करना है हमें, तो हम यहाँ पर पूरा क्वार्ट्ज लगा के मेहनत करके इसे पूरे को भर देंगे, और अपना चिकना लगने लग गया है घर। अब वैसे ही लेवल लेवल में करके मैंने पीछे में यहाँ दीवार उठा दिया है। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। जहाँ जहाँ पर पिलर टाइप का था, वहां पर मैंने लकड़ी लगा लगा के इसे लंबा खड़ा किया है, और बीच बीच में ग्लास लगा दिया, और यहाँ पर इतना बड़ा लकड़ी लगाया है, और यहाँ ग्लास लगा दिया। इस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे दोनों किया है। और अब इसकी फ्लोरिंग भी करनी है हमें, तो अब ये फ्लोरिंग का काम हम करेंगे। तो ये पूरा फ्लोरिंग का काम करने के बाद अपना घर कुछ इस तरीके से लग रहा है। क्या बात है यार, मुझे तो लग रहा है कि अभी से हम जीत चुके हैं। चलो दीदी से पूछते हैं कि उसका क्या हालत है। दीदी, कितना हो गया तुम्हारा? अब तो मेरा बस हो ही है, तेरा बाकी है क्या? बस ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया है। अब दो थोड़ा सा और,
जस्ट थोड़े से रीटच कर देते हैं इसको कि जिससे ना बहुत अच्छा लगे घर। ठीक है फिर चलो जल्दी जल्दी करो, हो गया। हाँ बस जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाला है ये, बस 5 मिनट्स और। और यहाँ पर इसका हम पूरा ग्लास पेन कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से, तो एक बाउंड्री बन गया है ऊपर में ताकि कोई गिरे नहीं। अब ये जो अंदर का पार्ट है हमें ये बनाना है, यहाँ पर एक से करके हम लकड़ी लगाएंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से, तो यहाँ पूरा अंधेरा हो गया है। अब ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ जहाँ हम लोगों ने ये पिलर बनाया है इसे हम यहाँ पर आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से और इसे लेवल में लाएंगे। अब इसको तो हम एक रूम बना देते हैं ग्लास लगा के, और इस वाले को भी हम यहाँ जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक ब्लॉक रखेंगे और इसको यहाँ पर एक कदम आगे ले जाके इसे ऐसे बढ़ा देंगे और एक और फिर से आगे लेके इसे यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे और ये भी एक कदम आगे रहेगा, फिर इसे यहाँ पर हम ऐसे पूरा एक्सटेंड कर देंगे। बढ़िया लग रहा है। अब इसे पूरा फ्लोरिंग कर देना है फिर से, तो ये देखो अपना ऐसा लग रहा है। अब सेम चीज हमें यहाँ भी करना है, इसकी दोनों की यहाँ पे फ्लोरिंग हो गई है व्हाइट व्हाइट। कैसा लग रहा है तुम लोगों को अभी तक बताना मुझे। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि बार बार बारिश भी होती है ना। इट्स लुकिंग रियली नाइस। तो यहाँ पर हम पहले तो अपना स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो पहले हम इसको यहाँ पे क्वार्ट्ज से भर देंगे ताकि पानी के अंदर में भी व्हाइट व्हाइट चमके एकदम। और अभी हमें पानी डालना है और फिर हम पानी के अंदर जाएंगे तो हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। मैं बड़ा मजा आता है इसमें। चलो अपना घर कुछ इस टाइप का लग रहा है। ओह अपने घर पर लाइटिंग जो है ऑन, ओह माय गॉड, ये होना कितना रेयर होता है। देखो वहां आग लग गया है भाई साहब। अपने घर पर भगवान ने आशीर्वाद भेजा है, अब तो हम हार ही कैसे सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर भी हम लीव्स लगा देंगे, कैसे भी करके लगा दो, थोड़ा अलग अलग डिजाइन है ना। और यहाँ पर हम बहुत सारे शुगर केन चेप देंगे। ये काफी छोटा लग रहा है ना, शुगर केन उगने में बहुत टाइम लगेगा, अभी हमें जीतना है तो फटाफट से बड़ा कर देते हैं, इतना इतना बड़ा ठीक रहेगा। और इसके बाद अपना घर हो गया है कम्प्लीट। वो ये कैसा लगा है तुम लोगों को, मैं यहाँ थोड़ा सा लैंप भी लगा देता हूँ, क्या पता अभी रात हो जाए। हे देखो क्या बात है, अपना ब्यूटी इज नेचर। कैसा लगा है तुम लोग को बताना मुझे, देखते हैं अपनी दीदी का कंप्लीट हुआ है कि नहीं। दीदी तुम्हारा घर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यहाँ पे क्या पीजी के साथ मस्ती कर रहे हो तुम? अच्छा नहीं, वो पीजी मेरे साथ घर को देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है कि वाह क्या घर बना है। लग तो रहा है घर पूरा हो गया। बढ़िया बढ़िया। और तुम लेकिन तुम्हें नहीं पता हैकर का घर तुम्हारे लेफ्ट में है, लेफ्ट में। देख रहे हैं मुझे, बट है ना मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे से ज्यादा अच्छा है तुम्हारा घर। अच्छा चलो फिर ठीक है, चलो फिर एक काम करो, पहले तुम अपना घर मुझे दिखाओ फिर मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। ओके कम ऑन। ओके पहले 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 बाहर से देखते हैं। यस ये तो तुमने यहाँ पर ए लिखा है। अच्छा तुमने पहले ही मेरा नाम लिख दिया, मैं जानता था तुम्हें मेरे नाम का इनिशियल तो पहले देना ही था। हाँ क्योंकि मैं तेर से ना कॉम्पीट कर रही थी ना, इसलिए मैंने पता है कि यहाँ ए लिख देते हैं, ए फॉर हाईएस्ट नूब। हाँ अच्छा, ओहो जीतने वाले का नाम लिखा जाता है ना। तुमने ऑलरेडी देख लिया कि आयुष जीतेगा, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक डिजाइन है जो मैंने बनाया है, आज मैं तेरे को घर में दिखाती हूँ। चलो चलो तो सुनो, रुको एक सेकेंड, मैं एंट्री करने से पहले रुको। ओके लगता है आरती की थाली ला रही है। इतने प्यार से तुम हमें बुलाओ ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, तुम्हारे मुंह से पतझड़ झड़े, इतना प्यार ना 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 ना। मैं पानी में डूबने के लिए तैयार हूँ लेकिन आने नहीं वाला मैं, कुछ गड़बड़ है। मेरे को गारंटी चाहिए, मेरे को कोई चीज की गारंटी चाहिए। गारंटी चाहिए, ये लो तुम्हारे लिए ये फ्लावर, कहाँ गया? क्रिएटिव मैं अभी, हाँ घर बनाए। सुनो तुम अगर मैं कुछ कर रही हो तो तुम ये सारे फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे अभी तुमने एक किया वैसे। हाँ चलो ठीक है, मेरे को पता तुमको येलो फ्लावर्स काफी पसंद है, तुम इतना बोल रही हो तो आई कैन बिलीव यू, लेकिन देख लेना फिर मैं बहुत पीटूंगा अगर कुछ हुआ।
ठीक है चलो, हाँ बोलो। मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म क्यों है यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो। कुछ नहीं है, ओके हाँ कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल रेडी, आई एम 100% ओके। हाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बच गए। तो ये मेरा लिविंग एरिया है, दिस इज माय लिविंग एरिया। आ जाओ अभी इसके अंदर चलते हैं यहाँ। यस ओ माय गॉड, ये स्टोरेज एरिया लग रहा है ना कर। हाँ स्टोरेज एरिया नहीं है, यहाँ पे मैं रूम बनाऊंगी अपना और यहाँ वॉशरूम। ओके हाँ वो तो तुम्हें जरूरत है, तुम हर वीडियो में हकती जो। यार ये मेरा भाई रोस्ट करता है मेरा, कम अप ऑन। आ जाओ ऊपर। हाँ यस यस। और ये देखो क्या मस्त है ये एकदम, यहाँ पे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, डाइनिंग वाइनिंग कुछ बना लेंगे यहाँ। ओके और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इधर किचन बनाओ। अच्छा किचन, किचन खाना बनाना आता नहीं, किचन बनाओगी तुम? एक टाइम खिलाया था वो भी जला हुआ एकदम, भाटा जैसा खाना तुम्हारा। मैं बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, ट्रस्ट मी। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। ये हमारी बालकनी है, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे दो कुर्सियां लगाऊं और मस्त एक टेबल जिससे हम लोग बैठ के मस्त एकदम व्यू एंजॉय करें, वाटर और एकदम ग्रास वास के एकदम नेचर के सामने बैठेंगे और खाएंगे, और यहाँ से किचन में भी मैं देख सकूंगी अंदर। हाँ अच्छा किचन में कोई तुम्हारे लिए काम करेगा? किसको देखोगी तुम किचन में यहाँ? किचन हम लोग को सामान चाहिए होगा, तुम लोग उठ के फटाफट ला सकते है ना। तो उसके लिए बाहर से किचन को देखने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। अरे एक्चुअली तुम अगर किचन में आकर मेरा खाना चोरी कर लिया तब क्या होगा? ये सही पॉइंट था। ठीक है ठीक है नीचे आ जाओ। ओके अच्छा लगा मेरे को, लेकिन तुम अभी मेरा घर देखोगी तो यू नो ये अभी तुम डांस करने लग जाओगे, मैं पानी पानी हो गई। वो अभी बाकी है। अच्छा अच्छा ओके okay. मैंने ग्रास से पूरा डेकोरेट किया है यहाँ पे। ओके okay, अच्छा लगा। और ये देखो मेरा फ्लावर वॉस यहाँ पे रखा हुआ है दोनों तरफ। नेचर्स ब्यूटी यस यस, कितना सुंदर। और यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट येलो फ्लावर्स। ओके यस येलो फ्लावर्स। और इधर में देखो मैंने व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट कलर के डैंडेलियंस लगाया है देखो। हाँ यहाँ पर भी वहाँ पर भी। ओके कितना सुंदर मेरा घर लग रहा है देखो, मस्त। अच्छा लगा अच्छा लगा। अभी अभी रेडी हो तुम हैकर का घर देखने के लिए? हाँ मैं नूब का घर देखने के लिए अभी रेडी हूँ। ये देखो ये देखो पिगी बेचारा नूब को देख के घूम के चला गया, तुमको देख के। तुमको देख के अच्छा अभी डिसाइड करेंगे अभी। हाँ आ जाओ मेरे घर में आ जाओ, तब तुम्हें पता चल जाएगा यू नो। सबसे पहले सब अच्छा नहीं लग रहा है देखो, सबसे पहले जिनकी कम इज्जत होती है उनके लिए मैंने ये एरिया बनाया है, ये वाला एरिया, ये वाला, यहाँ पे तुम रील्स बना सकती हो यू नो, इस तरीके की मेरी प्यारी अच्छा? प्यारी दो आँखियाँ यहाँ पे बनाना था। तुम यूट्यूबर सब रीलर बन गए क्या? अरे अभी तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स का जमाना है भाई। यहाँ पे डांस करो तुम। आ जाओ ओके okay. अगर चाहो तो हम लोग ऐसे देखा जाए तो गराज जैसा लग रहा है, मैंने इससे सिर्फ लुक हाँ। दिया, लेकिन इसका शटर हमेशा बंद रहता है यू नो, क्योंकि मैं तक करी नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है यार। मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मैंने इसका शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देखो मैं गाड़ी गिफ्ट करूंगी। आ जा ये देखो क्या है कि ये वाला एरिया उनके लिए जो बहुत बदबू मारते हैं, मेरे को पता है तुम कभी भी मेरे घर में अटैक कर सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए ये वाला स्विमिंग पूल और मेरे लिए ये वाला स्विमिंग पूल, मैंने दोनों के लिए अलग अलग रख दिया। देखो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी कितना सोचता हूँ, देखो तुम्हारे लिए मैंने ये वाला रख दिया है, एकदम मस्त लग रहा है। आ जाओ मैं ना भी लेती हूँ, आ जाओ ना ली मैंने। यहाँ पे मैंने हल्की सी ग्रीनरी कर दी क्योंकि बिकॉज यू नो आई एम पिकॉक, तो हम मुझे ग्रीनरीज बहुत पसंद है, खाना पड़ता है ना घास।
यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी हो गई। अब अभी अभी तुमने जो मुझे छोटा सा रूम दिखाया, अभी तुम ये वाला रूम देखो। ओ नाइस नाइस, यहाँ पे कितना चौड़ा है, कितना मील बनाने के लिए चाहिए होता है ना स्पेस। यहाँ पे मैंने काफी स्पेस हो गया। इनर डेकोरेशन हम लोगों ने अभी नहीं किया है क्योंकि तुमने भी नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया, यू नो। वैसे भी ये मॉडर्न हाउस का था कंपटीशन, इनर डेकोरेशन का नहीं। हम लोग नेक्स्ट टाइम वापस से इंटीरियर डेकोरेट करेंगे। यस, इंटीरियर का भी हम लोग कंपटीशन कर लेंगे, लेकिन अभी ये हमारा फर्स्ट फ्लोर देखो तुम। और यहाँ पर भी मैंने एक रूम रखा है, ये देखो। यस, ये हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस हाउस कह लो, एक होता है ना एक्स्ट्रा स्पेयर हाउस, उसके लिए बना है। मैं एक आइडिया दूं, यहाँ पे गेमिंग रूम बनाना। अरे हाँ, एकदम सही बोला तुमने, यहाँ पे गेमिंग रूम होगा, बढ़िया से अपना अपना पीसी लगाएंगे हम लोग, बहुत बढ़िया से मजा आ जाएगा एकदम। हाँ मस्त, एकदम आइडिया देगा, आई एम इंटेलिजेंट ब्रो, बहुत थैंक यू। अच्छा, और और ये एक और छोटा सा रूम समझ लो, या इसे स्टोरेज एरिया कह लो हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो तुम्हारी बालकनी थी उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी बालकनी यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग चेयर लगा के आराम से बैठ सकते हैं बालकनी में ही, और यह टी इंजॉय कर सकते हैं, यू नो। सुनो सुनो मेरी बात, घर है ना, घर बड़ा या छोटा से फर्क नहीं पड़ता है, घर के अंदर प्यार होना चाहिए। मेरे घर के अंदर है, दिल में दर्द, I can feel it. रहने दे, रहने दे। और यहाँ पर देखो मेरा ग्रीनरी यहाँ तक आ रहा है, ये देखो। ये तो रिस्की है, ये रिस्की है भाई, ये तो क्या बना दिया घर, ऐसे कूदेगा कौन है? देखो तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं घूमेंगे मेरे घर में, समझा? ये तो बहुत रिस्की है, ये क्या बना दिया, एकदम गलत है, नूब हाउस कौन? अच्छा, तुमसे हुआ नहीं तो मैं दूसरों को बोल। अच्छा अच्छा, मैं समझता हूँ। तो भाई तुम मेरे घर का क्या रेटिंग दोगी, तुम्हें क्या लगता है, यू नो? एन में से 3। क्या क्या क्या? बिकॉज तुम्हारा घर बहुत रिस्की है, देखो ऐसे ऊपर से ये 10 में से 12 वाला घर है एकदम। टू मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग एंड एक्स्ट्रा गुड नेचर। मैंने यहाँ पे कितना एनवायरमेंट का ध्यान रखा है, देखो मैंने यहाँ ग्रीनरी दी है, मैंने यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है ताकि तुम जैसे बदबूदार लोगों को भी मैं नहला सकूं। तेरे घर के अंदर में बाथरूम नहीं है, पर मेरे घर के अंदर बाथरूम है। टेंशन, बाथरूम बना हुआ नहीं है, तुमने संडास वहाँ लगाया भी नहीं है, सिर्फ एरिया है, और मेरे यहाँ एरिया ही एरिया है, मैं कहीं भी संडास रख दूंगा, तुम हकते रहना वहाँ पे, तुम्हें संडास की ज्यादा चिंता। मैंने कहा था ना, ये हमेशा हकती है, हर वीडियो में हकती है। आओ फिर अभी तुम्हारे घर का रेटिंग का भी बात कर लेते हैं हम लोग। मैं तुम्हारे घर को 2 की रेटिंग दूंगा, 2 की, 10 में से 2। जेलस मत हो इतना, सी मेरा घर डिजर्विंग है 10 out of 10। जेलस मत हो। अच्छा? मैंने 3 दिया तो 2 दे रहा है। नहीं नहीं, मेरे को एकदम 2 जैसा ही घर लगा। ये देखो हर एक रूम तुम्हारा इतना छोटा है, ये देखो ये शुरू होने से पहले खत्म हो गया, ये शुरू होने से पहले खत्म हो गया, और ये तो खत्म ही है ऑलरेडी। और तुम्हारा घर कितना रिस्की, मैं ऊपर से नीचे गिर गया बालकनी में से। ओ माय गॉड, ओ ये देखो तू भी गिर गई नीचे। अरे राम, कितना रिस्की घर है गाइस, देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैंने 2 की रेटिंग दी, सच बताऊं मैंने 2 की रेटिंग बहुत ज्यादा दे दी है, मैं उसमें से -2 कर रहा हूँ, तुम्हारी उतनी ही रेटिंग डिजर्व करती हो तुम। 2 की तो मैंने मेहनत कर ली है इसके ऊपर, मैं तो 2 की रेटिंग दे रहा है। 2 की नहीं नहीं, मैं उसमें से -2 कर चुका हूँ, तुम्हें उतने की रेटिंग मिली है। अरे चलो चलो, सीरियस देखो ये घर काफी सही है, लेकिन देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, ये नूम लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये हैकर लेवल का भी नहीं है, इट्स समवेयर बिटवीन प्रो, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ तुम्हारा भी नूम के बराबर है, ये तो मैं कह सकती हूँ, मैं ऑनेस्ट था। तुम्हारे इस डिसऑनेस्टी के लिए मैं तुम्हें नूबेस्ट का दे रहा हूँ, नूबेस्ट तुम्हारे लिए एक नया मैंने नामकरण किया, नूबेस्ट। नो बेस्ट में भी बेस्ट आ रहा है, देख रहे मैं बेस्ट हूँ। ओह थैंक यू, तुमने कब से दिमाग आ गया भाई।
लेकिन देखो अब ऑनेस्टली बोलो, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है तू डिसाइड नहीं कर पाएगा ना मैं डिसाइड कर पाऊंगी, या हमें कमेंट सेक्शन में पूछना पड़ेगा कि दोनों घर में से सबसे बेस्ट घर है कौन सा। देखो गाइस मुझे तो दोनों ही घर प्रो लेवल के लग रहे हैं, मुझे ये भी प्रो लग रहा है और ये भी काफी यार प्रो है। देखो मेरी दीदी तो बिल्कुल ऑनेस्ट है, तुम्हारा भाई एकदम ऑनेस्ट है, इस ऑनेस्टी के लिए भी लाइक बनता है। लेकिन अब तुम लोग कमेंट में बताओगे कि तुम्हें किसका घर बेटर लगा, किसको तुम कितने की रेटिंग दोगे, कौन सा घर नूब है, कौन सा प्रो है, कौन सा हैकर वाला है। तुम लोग मुझसे प्यार करते हो ना तो दे देना। ओके ब्लैकमेल कर रहा है भाई ये तो गाइस गाइस हम लोग मिलते हैं, करते हो ना नहीं करते गाइस, फटाफट से कमेंट कर देना, तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज आयुष मोर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।